बहुत दिन बाद शायद हम मुस्कुराए होंगे, वो भी अपने हुस्न पे खूब इतराए होंगे। संभलते संभलते अब तक न संभले हम, सोचो किस तरह उनसे हम टकराए होंगे। ख्वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, अपने दोस्त आरजे अभी के साथ। शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। वैसे चाहिए तो बहुत कुछ, हर इंसान को हर खुशी के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं तेरी हर सांस में मिलूं, परछाइयों में, धूप में, बरसात में मिलूं। कोई खुदा के दर पे मुझे ढूंढता फिरे, मैं भी किसी को प्यार की सौगात में मिलूं। तड़फे हजारों दिल मगर हासिल न मैं हुआ, तो चाहता है मैं तुझे खैरात में मिलूं। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, अपने दोस्त आरजे अभी के साथ। आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ। आइए सुनते हैं कुछ प्यारी प्यारी गजल्स और स्टार्ट करते हैं आज का अपना सफर, बने रहिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या ये ख्याल आया। हम
मुझसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, खेलूं चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाना जिसके सब दीवाने, मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, किसको है जरूरत तेरी है जमाने, मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। आँखों से जरा आंखें तो मिला दे, मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, मेरी राहें रोक ले नजरें तू बिछा दे, तेरे सर की है कसम मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हा, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हा, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हा, बतला दो जहां को, समझा दो खिजा को, आए जाए यहां ना कोई, ये गुलशिदां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साय से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए।
वेलकम है तमाम समातों का, तमाम लोगों का जो इस समय हमें सुन रहे हैं। रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गजल के सफर में। कुछ चंद लाइनों के साथ एक बार आपका फिर से मैं वेलकम करूंगा कि मेरी ये जिद नहीं कि मैं मेरे गले का हार हो जाऊं, अकेला छोड़ देना तुम जहाँ बेजार हो जाओ। बहुत जल्दी समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत जल्दी समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। मेरी ये जिद नहीं मेरे गले का हार हो जाओ, अकेला छोड़ देना तुम जहाँ बेचार हो जाओ। मुलाकातों के वफा होना इसलिए जरूरी है, मुलाकातों की वफा होना इसलिए जरूरी है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास देने के लिए झूठी तसल्ली हो ना आए ऐसा दिन, तुम इस कदर नादार हो जाओ। तुम्हें मालूम होगा कि कैसे रंज सहते हैं, तुम्हें मालूम होगा कि कैसे रंज सहते हैं, मेरी इतनी दुआ है कि तुम फनकार हो जाओ। और अब चलिए थोड़ा गजल की स्वरूप की तरफ ध्यान बढ़ाते हैं। आसार क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। आसार शेरों का समूह होता है, शायरियों का समूह होता है। इनफैक्ट जो गजल का पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। और शेर में दो लाइनें होती हैं, पहली लाइन को कहते हैं मिश्राए उला और दूसरी लाइन को कहते हैं मिश्राए शानी। अब जनाब आप लोग कई बार किसी शेर में शायर का नाम सुन लेते हैं, उसे हम लोग गजल की भाषा में तखल्लुस कहते हैं। और एक जरूरी बात है कि मिर्जा गालिब साहब अपने आप को गालिब इसलिए कहते थे क्योंकि उनका तखल्लुस गालिब ही था, वरना उनका असल नाम तो असदुल्ला खान था। अब जैसे कि मैं आपको उनका एक शेर सुना के कुछ बताना चाहूँगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक शायर अपने शेर में अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करता है, उस प्रोसेस को मक्ता कहते हैं। MAKTA नहीं MAQTA, मक्ता। और दूसरी चीज जो शेर एक गजल का सार कहता है, कंक्लूडिंग शेर जो होता है उसे हासिले शेर कहते हैं। कई गजलों में आप लोगों ने सिंगर्स को कहते हुए सुना होगा कि सामीन अब मैं इस गजल का हासिले शेर अर्ज कर रहा हूँ। और भाई लोग आपने उस गजल के लोगों को कहते हुए ये भी सुना होगा कि मुकर्रर मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब होता है वंस मोर। तो आइए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ में एक बार फिर से
गजलों के सफर पे वापस आते हैं और आपको सुनाते हैं कुछ गजलें मुकर्रर, मतलब वंस मोर। बने रहिए अपने दोस्त आरजे अभी के साथ। और हाँ, आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारे शो में कुछ कमेंट करना है तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, आप हमें जरूर मैसेज करके कमेंट करिएगा। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी पहल करिए और कमेंट करिए हमारे शो के लिए, खासकर गजल के सफर के लिए। आपको कैसे गाने, कैसे गजल सुननी है वो भी आप हमें उसी पे मैसेज करके जरूर बताइए। आइए सुनते हैं कुछ प्यारी प्यारी गजलें। फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर अपने दोस्त आरजे अभी के साथ आपका गजल का सफर आता है कुछ ही देर में। सुनते रहिए कुछ प्यारी प्यारी गजलें, बने रहिए रेडियो उड़ान पर। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहां थे हम, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ अपने दोस्त आरजे अभी के साथ। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए।
किस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अपने दोस्त आरजे अभी के साथ। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार। रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। मेरी तरह तू आह भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे, तूने वो सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी नायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी,
मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब सुन रहे हैं गजल का सफर। आप लोगों के पास एक बार फिर से हाजिर है आपकी दोस्त आरजेपी के साथ। और कहना चाहूँगा कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। वैसे जब गजलों का इजाद हुआ था, गजलों का इन्वेंशन हुआ था, ये गजलें इन्वेंट की गई थी, तो वो सिर्फ इश्क और मोहब्बत की बातें करती थी। मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, वक्त का चरखा वक्त सरकता गया, वैसे वैसे गजलों ने अपनी मियाद बढ़ा ली, अपनी सीमा बढ़ा ली। आखिर बाकी चीजों को कब तक नजरअंदाज करते रहते, सबको लेके चलना था भाई, हैं? अकेले चलते तो बीच रास्ते में अकेले ना पड़ जाते। अब भैया गजलों का भी मन होता होगा नए नए कपड़े पहन के, जैसे आजकल 500 की नोट ने पहन रखा है। थोड़ा मजाक था, इसे सीरियसली मत लेना। और आगे बात करते हैं गजलों के ऊपर। तो गजलों ने फिलोसॉफी को जोड़ा, उसके बाद समाज को लेके, समाज की कड़वी हकीकतों को लेके गजल एक बार फिर से नए अंदाज में मुंहफट होकर बाहर आया। इनफैक्ट अब तो सारे शायर भी अपने शेर में अलग अलग ख्याल बयां करते हैं। तो आइए आपको कुछ ऐसी ही गजल सुनाते हैं जिसके बारे में कहीं तो इश्क है, कहीं दौलत, कहीं शोहरत की बात होती है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू ब
बहाना याद है। आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, अपने दोस्त आरजे अभी के साथ।
पड़ेगी कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में देखो और से कहीं मैं वही तो नहीं कर तो दे एक नजर देखेंगे
गुजरे हुए सालों की तरफ चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए। पूछ लेना सुबह से न यकीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है सिर्फ तुम्हारे नाम से। यूं तो फिल्मी जगत में गजलों का आना जाना लगा ही रहता था, बात उन जमाने की है जब बहुत ही मशहूर गजल गायक जैसे तलत महमूद जी, सुरैया जी, केएल सहगल ने गजल को एक नई फील्ड दिया था, एक नया स्टेज दिया था। इनफैक्ट मदन मोहन साहब भी गजल के बेस्ट कंपोजर थे, लेकिन गजल को असली मकबूलियत, असली अंदाज, असली जगह देने वाले जो मशहूर गायक उसमें अव्वल नंबर पे मेहंदी हसन साहब, उसके बाद गुलाम अली, फिर जगजीत सिंह जैसे शायर जो आए हैं हम लोग के बीच में। जगजीत सिंह ने तो गजल को मॉडिफाई ही कर दिया, उन्होंने गजल की जगह पे नए नए इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया, और जो गजलों के उर्दू के बहुत ही मुश्किल शब्द थे जो सबको इतनी आसानी से समझ में नहीं आते थे, उन्होंने हिंदी के सिंपल वर्ड से रिप्लेस कर दिया, जिसमें गजलें आवाम तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचती हैं, और अब तक का ये सिलसिला बहुत अच्छे से चल भी रहा है। वैसे मैं आपको जो गीत अब सुनाने वाला हूँ उसका एक मुखड़ा मिर्जा गालिब साहब की गजल से लिया गया था, जिसे गुलजार साहब ने अपने अंदाज में मॉडिफाई करके एक गीत बना दिया, और वो कुछ यूं था। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहते तसव्वुरे जाना किए हुए। आज अपने गजल के सफर में इसी गाने के साथ दे दीजिए अपने दोस्त आरजे अभी को इजाजत। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम गजल के सफर में। जाते जाते कुछ अर्ज करना चाहेंगे कि उल्फत का यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही हमसे दूर होता है, दिल टूट कर बिखरता है इस कदर जैसे कांच का खिलौना फर्श पे गिर के चूर चूर होता है। ना तो आप लोग हमसे दूर हैं, ना तो उल्फत का कोई दस्तूर है, आज तो शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। महबूब आपकी गजल है, गजल से अच्छी महबूब कोई होती ही नहीं है। और
आज अपने सफर को यहीं पर रोकना चाहूंगा और आप लोगों से यहीं पर इजाजत लेना चाहूंगा। वैसे कहते हैं कि सफर कभी रुकता नहीं, लेकिन सफर कभी ऊंचाइयों को पाने के लिए रुकना ही पड़ता है। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा, बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर अपने दोस्त आजय अभी के साथ। फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना के रात दिन। जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर, जड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर, आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए के रात दिन। या गर्मियों की रात जो पुरवाइयां चले, या गर्मियों की रात जो पुरवाइयां चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, आंखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना के रात दिन तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं जीने के लिए